मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अनिल दुजाना मारा गया। यूपी एसटीएफ ने अनिल दुजाना का एनकाउंटर किया है। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अनिल दुजाना ढेर हो गया है। ग्रेटर नोएडा में दुजाना गांव का रहने वाला था अनिल, और अनिल दुजाना और अनिल नागर मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। गैंगस्टर अनिल दुजाना पर 62 मुकदमे दर्ज थे। जेल से जमानत पर बाहर आया था अनिल दुजाना। बाहर आने के बाद अनिल दुजाना पर 2 केस दर्ज हुए। 7 टीमें 20 से ज्यादा जगहों पर तलाश कर रही थी और ये तलाश खत्म हुई। जैसे ही अनिल दुजाना के साथ मुठभेड़ हुई, जाहिर है उसको सरेंडर करने के लिए बोला होगा, लेकिन जब वहां से गोलियां चली तो यहां से भी चली और उसमें अनिल दुजाना ढेर हो गया। उसका एनकाउंटर कर दिया गया। हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी जुड़ गए। अवनीश, जरा बताइए इस पूरे एनकाउंटर को किस तरीके से अंजाम दिया गया? क्या अनिल दुजाना की तरफ से भी फायरिंग की गई? जी, फायरिंग दोनों तरफ से की गई है और मौके से असलाह वगैरह भी बरामद हुआ है। अनिल दुजाना काफी बड़ा क्रिमिनल था पश्चिमी यूपी का। 60 से ज्यादा मुकदमे थे, इसमें 18 से ज्यादा हत्या के मुकदमे थे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के, जिससे मामलों को अंजाम देने में माहिर माना जाता था। और इसलिए बहुत सारे गैंग के साथ इसके रिश्ते थे। इसने अपना खुद का गैंग भी ऑपरेशन के लिए बना रखा था। अभी हाल में ही जेल से बाहर निकला था, लेकिन जेल से बाहर निकलते इसने आपराधिक कारनामे अपने फिर से शुरू कर दिए थे। और उसी कड़ी में यूपी एसटीएफ इसकी तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है एक व्यापारी से इसने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, और उस मामले को लेकर के एसटीएफ लगातार उसकी तलाश कर रही थी। और जिस तरीके से यूपी एसटीएफ ने उसकी जब तलाश की है, उस दौरान जब मेरठ के अंदर उसकी लोकेशन पाई गई, यूपी एसटीएफ की टीम ने उसकी घेराबंदी की। वहां पर जो है, चूंकि काफी जो है देहात का इलाका था, भागने की कोशिश की अनिल दुजाना ने, और उसी दौरान जो है वो यूपी एसटीएफ और उसके बीच गोलीबारी हुई, जिसमें मुठभेड़ हुई और उसके बाद फिर अनिल दुजाना वहां पर मौके पर ही मारा गया। अवनीश, क्या अनिल दुजाना के साथ उसके और भी साथी मौजूद थे, और क्या जानकारी लग पाई कि अनिल दुजाना को कितनी गोलियां लगी? देखिए, अभी बाकी सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है। मौके पर अधिकारी और तमाम जो मेडिकल अमला है वो वहां पर पहुंच रहा है। पंचनामे की तैयारी की जा रही है। यूपी एसटीएफ की टीम मौके पर है। अपनी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।